राजस्थान विश्वविद्यालय के 75 साल के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का पूरा कामकाज ठप हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह कर्मचारी, प्रोफेसर, सहायक कर्मचारी या शैक्षणिक कर्मचारी लगातार यहां पहुंचे हैं और विरोध में उतर गए हैं। दरअसल पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग इनकी ओर से करी जा रही है। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखा दूँ किस तरह यहाँ भीड़ एकजुट हो रही है। जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है और एक ही मांग है, क्योंकि लंबे समय से आंदोलन इनकी ओर से किया जा रहा था और लगातार मांग उठाई जा रही थी कि पुरानी पेंशन है उसे लागू किया जाए, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से अभी तक लागू नहीं की गई है। इसके चलते जो है कर्मचारियों की ओर से, जो है प्रोफेसरों की ओर से विरोध यहां जाहिर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आज 75 साल के इतिहास में पहली बार यूं कह सकते हैं कि कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है। लगातार एक ही मांग उठ रही है, जब तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी तब तक विरोध जारी रहेगा। कर्मचारी नेता यहाँ हैं, उनसे ही जान लेते हैं क्या कुछ मांगे हैं। आज एकजुटता दिखाई है यहाँ पर, पूरा कामकाज 75 साल के इतिहास में ठप हो गया है। हाँ, मैं सर एक्साइज कर्मचारी संघ अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल चिराना। सरकार जो दोहरी नीति अपना रही है ओपीएस के मामले को लेकर, ओपीएस के दोहरी नीति अपना रही है, इसके विरोध में आज संघर्ष शुरू किया है। वैसे आंदोलन पिछले एक महीने से ही पूरे राजस्थान भर में चल रहा है। आज उदयपुर यूनिवर्सिटी बंद पड़ी है, जोधपुर यूनिवर्सिटी बंद पड़ी है, कोटा यूनिवर्सिटी बंद पड़ी है। सरकार जो दोहरी नीति है सरकारी कर्मचारियों के साथ हमारे विश्वविद्यालय कर्मचारी अलग करने का प्रयास कर रही है, भेदभाव करने का प्रयास कर रही है। ये विश्वविद्यालय कर्मचारियों के शिक्षकों को कत ही न आज स्वीकार है न आगे स्वीकार होगा। सरकार से कोई वार्ता हुई इस ओपीएस को लेकर? आप लोग सरकार से 3 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन सरकार का सकारात्मक रूप सामने नहीं आ रहा है। सरकार स्वयंशासी संस्थाओं, नगर निगम बोर्डों, मेट्रो से पैसा इकट्ठा करके और जो राज्य कर्मचारियों के हितार्थ काम करना चाह रही है, तो हमारे पैसे, हमारे हक के पैसों को सरकार काम में ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके साथ समान रूप से हमें भी वही अधिकार दे जो राज्य कर्मचारियों को है। बिल्कुल, देखिए राज्य कर्मचारियों को जो अधिकार मिला है समान रूप से वो लेने की मांग हुई है। एकजुटता दिखा दी है, एकजुट हो गए हैं, अब आगे की क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है। आगे की रणनीति ये बनाई जा रही है, अभी हम सब गांधी सर्किल तक जाएंगे, उसके बाद वापस यहाँ पर आएंगे, फिर हमारी जो कोर कमेटी है वो मीटिंग करेगी, मीटिंग करने के बाद आगे का निर्णय आज लेके पूरे कर्मचारी को बताया जाएगा, ये आगे के निर्णय। बिल्कुल, देखिए कर्मचारी रणनीति बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि राज्य सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि दूसरे विभागों के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के कर्मचारी प्रोफेसरों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा। यहां से रैली के रूप में अब ये गांधी सर्किल जा रहे हैं, वहां से वापस राजस्थान विश्वविद्यालय के जो है कुलपति सचिवालय में आएंगे और एक रणनीति बनाई जाएगी। सरकार को घेरने की पूरी तरह से रणनीति बनाने के लिए तैयार हो गए हैं और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के कर्मचारी और शिक्षक पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।